ये बड़े सुख सौभाग्य की बात है कि भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी हम लोग मनाते हैं, और जन्माष्टमी तो हमारे हृदय में तो हमेशा मनती रहे बोला। हर समय वृत्ति में चेतन आरूढ़ होकर के अविद्या को दूर करता है। आप लोगों ने वेदांत का स्वाध्याय किया है, तत्त्वमस्यादि महावाक्य जन्य जो वृत्ति है वो अज्ञान को दूर करती है कि वृत्तियारूढ़ चेतन अज्ञान को दूर करता है? कर्तापन वृत्ति में तब तक, अज्ञान निवर्तकत्व वृत्ति में तब तक आवेगा ही नहीं जब तक वृत्ति में चेतन आरूढ़ होगा नहीं। आप लोगों ने अगर वेदांत का स्वाध्याय किया है, जैसे हाथ में कर्तापन, हाथ में के द्वारा क्रिया कब होती है? जब आरूढ़ चेतन हाथ में होता है। सामान्य चेतन तो हाथ में मुर्दे के भी होता है ना, अधिष्ठान चेतन, प्रकाशक चेतन, सामान्य चेतन मुर्दे के हाथ में भी होता है, परंतु वहां हाथ में क्रिया करने की शक्ति नहीं होती है। इसी प्रकार अधिष्ठान चेतन, स्वयं प्रकाश चेतन वृत्ति में होता है, परंतु उसमें अविद्या की निवृत्ति का सामर्थ्य नहीं होता है। अविद्या की निवृत्ति का सामर्थ्य तब होता है जब वृत्ति में चेतन आरूढ़ होता है। इसलिए चेतन में ही, वृत्ति की उपाधि से चेतन में ही अविद्या का निवर्तकत्व है, वृत्ति में अविद्या का निवर्तकत्व नहीं है। अगर वृत्ति में ही अविद्या का निवर्तकत्व होवे तो वृत्ति तो स्वयं अविद्या का कार्य है, इसलिए वो अपने कारण को निवृत्त करने में समर्थ नहीं होती है। वृत्तियारूढ़ चेतन जब अविद्या को निवृत्त करता है तब अविद्या भी निवृत्त होती है, अविद्या का कार्य वृत्ति भी बाधित हो जाती है, और वृत्ति में जो चेतन था वो चेतन वृत्ति के पहले भी था, वृत्ति काल में भी है, अविद्या की निवृत्ति के अनंतर भी है, इसलिए मोक्ष की सिद्धि होती है। तो जो लोग ये बात मानते हैं कि वृत्तियारूढ़ चेतन ही अविद्या की निवृत्ति करता है, यह अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है। जो लोग सिद्धांत की दृष्टि से वेदांत का अध्ययन नहीं करते हैं, केवल भावनात्मक वेदांत की चर्चा करते हैं, उनकी बात दूसरी है। भावना तो चाहे तुम जैसी कर लो, मान लो चाहे जैसी, लेकिन बाबा जो मानते हैं कि वृत्तियारूढ़ होकर के चेतन अविद्या को निवृत्त होता है, उनको ये बात जाननी चाहिए कि हृदयारूढ़ होकर के परमात्मा अभिनिवेश को निवृत्त करता है, हृदयारूढ़ होकर के परमात्मा राग द्वेष को निवृत्त करता है, हृदयारूढ़ होकर के परमात्मा अस्मिता को निवृत्त करता है, और वृत्तियारूढ़ होकर के अविद्या को निवृत्त करता है। यही तो उपासना का रहस्य है। इसको श्री जीव गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं कि भाई किसी के मन में सचमुच ही संसार से छूटने की इच्छा हो तब तो बताना, जो भगवान को पाना चाहता हो उसको बताना, दूसरे के लिए तो हम सौगंध देते हैं, ऐसे लिखा है। देखो हम तो भरी सभा में बता रहे हैं आपको, है ना, वो सौगंध उनके उनकी हमारे ऊपर नहीं लगेगी, लेकिन है ना, जब श्री कृष्ण पदाम भोज भजनई का अभिलाषवान तेनैव दृश्यताम एतत् अन्यस्मै शपथोर्पितः। भागवत संदर्भ के प्रारंभ में जीव गोस्वामी कहते हैं कि हम दूसरों को सौगंध देते हैं, बाबा अगर तुम्हें कृष्ण का भजन न करना हो, भक्ति न करनी हो, संसार से छूटने का शौक न हो, हृदय में यदि ज्ञान वैराग्य न लाना हो, तो दूर ही रहना, हमारे ग्रंथ को छूना मत। हमारा ग्रंथ ऐसे नापाक लोगों को छूने के लिए नहीं है जो संसार से छूटना नहीं चाहते हैं और जो परमात्मा को प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, ये उनका कहना। सो भाई ये बड़े सौभाग्य की बात, आज हम लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं, हम सब लोगों के हृदय में श्री कृष्ण का अवतार होवे, हमारा जो दुष्चरित्र है, हमारे जीवन में दुष्चरित्रता है वो दूर होवे, जो देह की मृत्यु का भय है वो दूर होवे, जो हमारे अंदर राग द्वेष है सो दूर होवे, जो हमारे अंदर ज्ञानी अज्ञानी पने का अभिमान है ना, सो भी दूर होवे। जब श्री कृष्ण अवतार होता है हृदय में तब ये दूर होता है। मानने की बात जुदा है और समझने की बात जुदा है। अगर आप श्री कृष्ण अवतार तत्व को समझना चाहते हैं तो आज जन्माष्टमी है, अपने हृदय को श्रद्धा से थोड़ा झुकाकर, अभिमान से थोड़ा मुक्त करके श्री कृष्ण तत्व को समझने की चेष्टा कीजिए, और इसी में जब ये चेष्टा करेंगे तो आपके हृदय में कृष्ण अवतार होगा और संपूर्ण दोष दुर्गुणों को मिटावेगा। ओम शांति।